हाय स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का मां शारदा प्रोग्रेसिव एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स सब सब्जेक्ट ट्रिग्नोमेट्री से एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी के बुक से क्लास 10th वाले छात्र छात्राओं के लिए, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्र छात्राओं के लिए विशेष रूप से इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होगा जो आज मैं बताने वाला हूं, जो कि इससे इस एक्सरसाइज से प्रत्येक साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और यह सवाल जो होगा बहुत ही मज़ेदार होगा, बहुत ही जबरदस्त आपको एक्सपीरियंस देने वाला होगा। तो मैं आप लोग में सवाल को कैसे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बराबर करके कैसे दिखाया जाता है, उस चीज का मैं बहुत ही अच्छे तरह से आपको समझाने वाला हूँ। और जल्दी से मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, यदि आप नए हैं मेरे YouTube चैनल में तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हर एक वीडियो आपको मिलता रहे। और मैं इस टॉपिक को, इस एक्सरसाइज को बताने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से आपको याद दिला देना चाहता हूँ, यदि आप एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 यानी कि लेक्चर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये आज का जो वीडियो लेक्चर है, आठवां लेक्चर होगा। इस लेक्चर के पहले का जो वीडियो मैंने अपलोड किया है, यदि आपने उसको देखा पढ़ा नहीं समझा होगा तो आप प्लीज उस वीडियो को निकाल करके शुरू से एक तरफ से शुरू से अंत तक अच्छे तरह से सबको एक एक करके देख करके पढ़ लें तो आपको आज की जो वीडियो जो मैं अभी बताने वाला हूँ या तो बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, इसके पहले वाला अपलोड किया हुआ वीडियो आप जरूर देख लें। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आई लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब बाएं का जो वैल्यू है दाएं के बराबर होता है। तो बाएं का वैल्यू को लेकर के सॉल्व करना, धड़ाधड़ सॉल्व करेंगे तो दाएं के वैल्यू को निकाल करके दिखा देता है। तो बाएं का जो वैल्यू है इसको लेना है, LHS लेना है। LHS को जब सॉल्व करेंगे मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, बाया पक्ष दाया पक्ष के बराबर है। तो बाया को जब लेंगे, बाया को बना करके जब सॉल्व करेंगे तो हमें दाया का वैल्यू मिल जाएगा। इससे हम समझेंगे कि बाया पक्ष दाया पक्ष के बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो कैसे, तो इस जब भी हम लोग इस प्रकार के सवाल को बनाएंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेना है या तो राइट हैंड साइड को लेना है, वन साइड को लेना है। वन साइड को जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद उसका फाइनल जो आपको वैल्यू मिलेगा तो वो क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड का वैल्यू मिल जाएगा। या तो राइट हैंड साइड को अगर लेके बनाएंगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू को देगा। दोनों में से किसी वन साइड का वैल्यू को लेना है और उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद वो दूसरा साइड वाला वैल्यू का मान निकालेगा। इसलिए हम समझेंगे कि बाया पक्ष दाया पक्ष बराबर है, तो बाया को लेंगे तो दाया का वैल्यू प्राप्त होगा और दाया को यदि लेते हैं तो बाया का मान हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम बाया और दाया को बराबर करते हैं, तो ये बहुत आसान होगा। देखिए हम बताते हैं, सबसे पहले LHS को लेंगे, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं cosec थीटा माइनस cot थीटा ब्रैकेट से बंद होल स्क्वायर है, तो cosec थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला में, 1 बाय sin थीटा माइनस है, माइनस देंगे, cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटे sin थीटा ब्रैकेट से बंद है, ब्रैकेट से बंद करके होल स्क्वायर। तो अब ये भिन्न है, भिन्न का घटा हो जाएगा क्योंकि घटा का चिन्ह है, साइन साइन का एलसीएम निकलेगा साइन थीटा, साइन दोनों साइन थीटा है नीचे, इसका एलसीएम निकलेगा साइन थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा से भाग देंगे भागफल एक, एक को एक से गुणा करेंगे एक होगा, घटा का चिन्ह है घटा देंगे, साइन थीटा को साइन थीटा से भाग देंगे भागफल एक, एक को कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो कॉस थीटा होगा। तो ये हो गया कॉस्टक से बंद है, कॉस्टक से बंद कर लेंगे होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का क्या मतलब है कि अंश भी है हल भी है, इस पे भी स्क्वायर होना चाहिए, इस पे भी स्क्वायर होना चाहिए, ये मतलब होता। तो अंश 1 माइनस कॉस थीटा
का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे हर साइन थीटा का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा बटे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं वन को वन का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं माइनस है माइनस देंगे कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। इस चीज को हम इस रूप में दर्शा सकते हैं ठीक है। इसके बाद वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा बटे वन का वर्ग है फिर कॉस थीटा का भी वर्ग है तो ये किस फॉर्मूला में आ रहा है तो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब एक बार जुटता है और एक बार घटता है ये इससे कट जाएगा ऊपर बचा वन माइनस कॉस थीटा और नीचे बचा वन प्लस कॉस थीटा। तो ये वाला जो वैल्यू है किसके बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू को हमने लिया उसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिला वो राइट हैंड साइड का वैल्यू मिल गया इसलिए बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है। कैसे है क्योंकि बायां को जब हम लेते हैं उसको बनाते हैं सॉल्व करते हैं सॉल्व करने के पश्चात हमें दायां पक्ष के मान के बराबर मिलता है इसलिए बायां पक्ष के बराबर है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ सवाल है कॉस ए बटे वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर टू सेट ए। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि कॉस ए बटे वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बटे कॉस ए है तो ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड है पूरे लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमें जो मिलेगा फाइनल इसका जो सॉल्व करने के पश्चात मतलब सवाल को बनाने के बाद हमें ये चीज मिल जाएगा तो हम समझेंगे कि बायां पक्ष के बराबर है। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड लेकर के तो ये इन दोनों को हम देख रहे हैं भिन्न के जोड़ में है तो भिन्न का जोड़ में नीचे जो होता है उनका एलसीएम निकालते हैं कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए इन दोनों का एलसीएम कितना होगा उसको इससे भाग देंगे ये दोनों कट जाएगा भागफल कॉस ए होगा तो कॉस ए को कॉस ए से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस इसको इससे भाग देंगे तो ये दोनों एक जैसा कट जाएगा भागफल ये आएगा वन प्लस साइन ए को वन प्लस साइन ए से भाग देंगे वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस वन ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू इंटू वन इंटू साइन ए इंटू प्लस साइन ए का होल स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर और बटे नीचे क्या है कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर में आप तोड़ेंगे तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक जो हमने तोड़ा किस रूप में तोड़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए के रूप में है ये बी के रूप में है ये के रूप में ये बी के रूप में तो ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस ए बी का स्क्वायर तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वन का वर्ग वन प्लस टू इंटू वन इंटू साइन ए तीनों को गुणा कर देंगे तो टू साइन ए होगा प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बटे कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए
ये और ये जब दोनों जुट जाएगा तो वन हो जाएगा, यहाँ वन है प्लस टू साइन ए बटे कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए, तो वन और वन दोनों जुट करके हो जाएगा टू, टू इंटू साइन ए बटे कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए, दोनों जगह दो दो है तो कॉमन से बाहर निकल जाएगा, यहाँ वन बचेगा प्लस यहाँ साइन ए और बटे कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए, ऊपर भी ये नीचे भी दोनों एक जैसा है, अंग कट जाएगा टू बाय कॉस ए का मतलब टू इंटू वन बाय कॉस ए, इसका गुणनखंड करेंगे तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, गुणनखंड पूरा का गुणनखंड करने से इस रूप में आ जाएगा टू इंटू, ये इसका फॉर्मूला होता है वन बाय कॉस ए का सेक ए, तो इसको फाइनल लिख सकते हैं टू सेक ए, ये किसके बराबर है, जब हमने बाया बाया साइड का जो वैल्यू है इसको लेकर के जब बनाया बाया पक्ष को लिया, बनाते 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 बनाने के पश्चात हमें जो मिला वो मान जो मिला किस मान के बराबर है, दाया साइड के मान के बराबर है, मतलब दाया पक्ष के बराबर, इसलिए बाया पक्ष का मान दाया पक्ष के बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को जब बनाए तो बनाने के पश्चात हमें लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर ये मिल रहा है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर चल जाएंगे। ठीक है, आइए फिर अगला सवाल, टेन थीटा बटे वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे वन माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड ये है राइट हैंड साइड ये, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के बनाना है, और याद रखना है इसलिए सवाल बहुत लेटेस्ट भी है, तो जहाँ कॉट कॉट है जी, जहाँ कॉट कॉट है उस कॉट कॉट को टेन में बदलना है, तो हो जाएगा टेन थीटा वन माइनस कॉट को टेन में बदलने के लिए वन बाय टेन थीटा, इसको कॉट कॉट को टेन में बदलेंगे तो वन बाय टेन थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा को भी टेन में बदलेंगे तो वन बाय टेन थीटा हो जाएगा, और वन माइनस टेन थीटा, और ये भिन्न का घटा से घटेगा ऊपर टेन थीटा और बटे वन टेन थीटा का लघुत्तम निकालेंगे, टेन थीटा इसको इससे भाग देंगे भागफल टेन थीटा गुना वन टेन थीटा होगा, माइनस है माइनस देंगे टेन थीटा आपको टेन थीटा से भाग देंगे भागफल एक, एक को एक से गुना करेंगे एक होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक दे सकते हैं, टेन थीटा के नीचे कुछ नहीं तो एक, अब प्लस ये अंश है और इसके नीचे कुछ नहीं तो हर है, तो देखिए ये अंश है और ये क्या है हर है, तो अंश हर में क्या लगता है भाग लगता है, ये क्या है अंश है ये क्या है हर है, ये दोनों में भाग लग जाएगा, तो अब वन बाय टेन थीटा भाग लगेगा अपने हर वाले से, तो हर क्या है वन माइनस टेन थीटा बटे वन है ना, और ये अंश है ये हर है, तो अंश हर से भाग लगता है टेन थीटा बटे एक भाग लगेगा अपने हर से, तो हर कौन है टेन थीटा माइनस वन बटे टेन थीटा, और पता तो ये कोई भी भिन्न भाव होता है तो भिन्न गुना में बदलता है, टेन थीटा गुना हो जाएगा तो एक चला जाएगा ऊपर और वन माइनस टेन थीटा नीचे चला जाएगा, अब ये भिन्न का भाव किस में बदलता है भिन्न गुना में बदलता है, तो भिन्न गुना में बदलेगा बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला टेन थीटा माइनस वन नीचे चला आएगा, प्लस ऊपर वाला के साथ गुना होता है नीचे वाला के साथ गुना होगा, भिन्न का गुना ऐसे गुना करेंगे तो वन हो जाएगा और नीचे हो जाएगा टेन थीटा इंटू वन माइनस टेन थीटा, तो अब यहाँ जो है टेन थीटा से ऊपर वाला से गुना होगा नीचे वाला से गुना होगा, टेन टेन से गुना हो जाएगा तो टेन इस पर थीटा हो जाएगा और एक गुना होगा टेन थीटा माइनस वन का उतना ही रहेगा टेन थीटा माइनस वन, उसके बाद प्लस एक टेन थीटा इंटू वन माइनस टेन थीटा, अब यहाँ देखना है कि एक के सामने माइनस है और एक के सामने यहाँ प्लस है,
तो हमको क्या करना है, इसके बराबर में लाना है, तभी ये भिन्न और ये भिन्न का भिन्न जोड़ हम बना सकते हैं। भिन्न जोड़ है तो कैसे जोड़िएगा, तो लघुत्तम निकालने में आसानी होगा। तो क्या करना है, टेन स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा माइनस वन प्लस वन, यहाँ से माइनस निकालो हो जाएगा टेन थीटा माइनस वन बचेगा, यदि प्लस से एक माइनस निकलेगा तो और एक माइनस बचेगा माइनस, और टेन थीटा के सामने से माइनस निकल जाएगा तो प्लस बचेगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा माइनस वन, और ये माइनस और प्लस दोनों गुना हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वन बटे टेन थीटा, तो टेन थीटा माइनस वन, प्लस वाला आगे माइनस वाला पीछे कर दिए, तो ये वाला और ये वाला एक जैसा हो गया। आप इसको क्या कर सकते हैं, भिन्न का घटा से घटा सकते हैं, तो भिन्न के घटा से जब घटाएं तो इसी जगह हम आपको बनाकर दिखाते हैं, आइए इसको बनाते हैं, तो हो जाएगा इसका इसका लघुत्तम जब निकालेंगे एलसीएम हो जाएगा टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन, और इसको इससे भाग देंगे, ये वाला कट जाएगा आपको ये बचेगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो बन जाएगा टेन क्यू थीटा माइनस, इसको इससे भाग देंगे भाग वाले एक गुना करेंगे एक ही होगा। अब टेन थीटा का इसको हॉल क्यूब लिख सकते हैं और माइनस वन का हॉल क्यूब बटे टेन थीटा इंटू टेन थीटा टेन थीटा माइनस वन, तो अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस डी का स्क्वायर, ये हो गया बट टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन। अब यहाँ पे गुना का चिन्ह है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला एक जैसा मिल रहा तो कट जाएगा, ऊपर बचा इसका वर्ग हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस, ये दोनों गुना होकर हो जाएगा टेन थीटा, और इसका वर्ग हो जाएगा नीचे बचा है कट के मात्र टेन थीटा है नीचे, तो इसके नीचे भी ये है, इसके नीचे भी ये है, इसके नीचे भी ये है, तो इसको हम विस्तारित रूप में लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा प्लस फिर टेन थीटा बटे टेन थीटा प्लस वन बटे टेन थीटा, इसको इससे भाग देंगे तो ऊपर टेन थीटा बचेगा, इससे भाग देंगे तो वन हो जाएगा, तो यहाँ बच गया टेन थीटा प्लस यहाँ बचा वन प्लस वन बाय टेन थीटा तो बन जाएगा कॉट थीटा। अब इस सवाल को फिर हम क्या करते हैं, इस ये जो स्टेप है इस स्टेप को इधर ऊपर ले आते हैं, इस सवाल को मिटा करते हैं, जगह का कमी होगी हम यहाँ पे लाके इसको बना लेते हैं, तो टेन थीटा प्लस वन है, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस वन प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, हो जाएगा इसके नीचे कुछ नहीं तो एक कॉस वन साइन का जब लघुत्तम निकालेंगे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
इसको इससे भाग देंगे, ये दोनों कट जाएगा, साइन थीटा बच जाएगा, साइन को साइन से भाग देंगे, साइन को साइन से गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको इससे भाग देंगे, भाग कर पूरा ये आ जाएगा, इसको एक से गुणा करेंगे तो बिल्कुल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस साइन थीटा को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से भाग देंगे तो साइन साइन कट जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब जान रहे हैं ये दोनों जुटेगा तो एक बन जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक का नीचे वाला भी ये है और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का भी नीचे वाला ये है, जब इसका भी हर ये इसका भी हर दोनों का हर है तो विस्तारित रूप में लिख सकते हैं इसको वन बटे साइन थीटा इंटू वन बटे कॉस थीटा, मतलब गुणनखंड बाद में भी आप कर सकते हैं, यहाँ लिख लो तो ये हो गया प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे भाग करके वन हो जाएगा, वन बाय साइन थीटा इंटू वन बाय कॉस थीटा, इसका गुणनखंड करेंगे वन बाय साइन थीटा गुना वन बाय कॉस थीटा, वन वन गुना होगा वन और ये दोनों गुना होगा तो इतना हो जाएगा, तो इस टर्म को गुणनखंड करने के बाद इस टर्म का गुणनखंड ये हो जाएगा, इस पद का गुणनखंड ऐसा बन जाएगा प्लस वन वन बाय साइन थीटा को कॉस एक्स थीटा लिख सकते हैं और गुना वन बाय कॉस थीटा को सेक थीटा और प्लस वन, तो ये किसका मान है अच्छा से आप देखिए राइट हैंड साइड का मान है, तो इसको लिख सकते हैं वन प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, मतलब ये हो गया राइट हैंड साइड का ये वैल्यू प्रूव हो गया। वेरी इजी है सवाल, बहुत आसान है, कहीं दिक्कत नहीं, तो आइए फिर से आप लोगों को समझा देना चाहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के हम सॉल्व करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के जब सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से हमें राइट हैंड साइड का भी सॉल्व करने के पश्चात सॉल्व करने के बाद हमें जरूर मिल जाएगा, जब लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो हमें राइट हैंड साइड का वैल्यू मिल जाएगा, और जब राइट हैंड साइड को ही लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू मिल जाएगा। तो हमने जैसे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को लिया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को लिया, तो आपको पूरा फॉर्मूला याद था जी, कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है वन बाय साइन थीटा, तो ये जो है इसका जो मान फॉर्मूला के अलावा है इसका मान ये होता है, इसका मान वन बाय साइन थीटा में बदल जाएगा, और कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है फॉर्मूला के आधार पर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, तो कॉट थीटा का वैल्यू इसमें बदल जाएगा, तो वही कॉट थीटा जो है कॉस थीटा बटे साइन थीटा में बदल गया, और अब दोनों भिन्न घटा से घटेगा तो ऐसा हो जाएगा, फिर होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यहाँ अंश और हर में होल स्क्वायर हम रहेगा तो अंश पे भी स्क्वायर होगा और हर पे भी स्क्वायर होगा। अभी अंश का स्क्वायर क्या होगा कि आप इसको दो बार लिख सकते हैं, और इसको हम साइन स्क्वायर थीटा को जान रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है फॉर्मूला से क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला के आधार पर क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा जो है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में बदल जाता है। अब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, एक को हम एक के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि एक स्क्वायर का मतलब एक ही मान होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता तो किस में बदल जाता है, आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार जुटता है एक बार घटता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको क्या कर सकते हैं, एक बार इन दोनों को जोड़ दिए गुना एक बार इन दोनों को घटा दिए, ऊपर नीचे जो मिला वो कट गया, ऊपर ये बचा नीचे ये बचा, अब ये वैल्यू जो दिख रहा है
लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व करने के पश्चात हमें क्या मिला, राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर है, इसलिए बायां पक्ष को दायां पक्ष के बराबर समझा जाए, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर समझा जाएगा। और एक बार रिपीट करते हैं, आइए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कॉस ए बटे वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बटे कॉस ए है, तो ये भिन्न का जोड़ में है, तो भिन्न का जोड़ में जोड़ेंगे दोनों का क्या होना चाहिए, लघुतम एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए। अब इसको इससे भाग देंगे, तो इसको इससे भाग देंगे तो ये भागफल आएगा, और इसको कॉस ए से ही गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस है प्लस देंगे, कॉस ए को इससे भाग देंगे तो ये वाला खत्म हो जाएगा करके, वन प्लस साइन ए आएगा, वन प्लस साइन को वन प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए वन का वर्ग वन ही होगा, प्लस टू इंटू वन इंटू साइन ए, तो टू साइन ए हो जाएगा, प्लस है प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो साइन ए गुणा साइन ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए जोड़ साइन स्क्वायर ए बराबर एक हो गया, और एक प्लस एक है ही यहाँ, प्लस टू साइन ए, टू साइन ए बटे कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए, तो वन वन जुट करके टू हो जाएगा, प्लस टू साइन ए। अब ये दोनों जगह दो दो है तो कॉमन से बाहर निकल जाएगा दो, अब अंदर बचा क्या, यहाँ बचेगा वन प्लस और इसके स्थान पे साइन ए होगा, तो टू इंटू वन प्लस साइन ए ऊपर बन जाता है कॉमन करने के बाद, टू का कॉमन निकालने से वन प्लस टू इंटू वन प्लस साइन ए हो जाएगा, नीचे कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए है, वन प्लस साइन ए ऊपर भी वन प्लस साइन ए नीचे भी, जब ऊपर नीचे वन प्लस साइन ए है तो दोनों को हम एक जैसा देख रहे हैं तो भाग लगा देंगे तो कट जाएगा, क्या बचा टू बाय कॉस ए, टू बाय कॉस ए का जब गुणनखंड करेंगे तो टू इंटू वन बाय कॉस ए हो जाएगा, वन बाय कॉस ए का क्या फॉर्मूला होता है, सेक ए होता है, तो टू सेक ए बन जाएगा, तो टू सेक ए जो है लेफ्ट हैंड साइड का जब वैल्यू को सॉल्व किए तो किसके वैल्यू के बराबर दिख रहा है, राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर समझा जाता है ना। अच्छा फिर यहाँ पे भी देखिए, लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के क्या करना है, इसमें याद रखिए कि टेन 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 मतलब जहाँ जहाँ कॉट है उसको टेन के पद में व्यक्त करना है, तो ये टेन ये भी टेन, ये कॉट था ये भी टेन में बदल गया, तो टेन 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 मतलब चारों टेन टेन में हो जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि भिन्न का जो जोड़ है, भिन्न का जोड़ जोड़ने में तभी आसानी होगा जब क्या होगा, हम कॉट को टेन के पद में बदल देंगे, व्यक्त करेंगे, टेन के पद में उसको बदलना है, टेन के पद में बदलना है, तो ये कॉट टर्म को टेन में बदलने के लिए फॉर्मूला होता है वन बाय टेन ए, तो ये कॉट कॉट थीटा बराबर वन बाय टेन थीटा, और कॉट थीटा बराबर वन बाय टेन थीटा, अब ये भिन्न घटा से घटाइएगा तो ये मिलेगा, और टेन थीटा के नीचे कुछ नहीं तो एक, तो टेन थीटा का टेन थीटा के नीचे कुछ नहीं तो एक, अब ये अंश हो गया पूरा टेन थीटा बटे वन अंश हो गया बटे, और ये टेन थीटा माइनस वन बटे टेन थीटा ये हर हो गया, अंश और हर में भाग लगता है, तो ये अंश भागा हर, तो अंश हर को जब भाग को गुना करेंगे नीचे वाला ऊपर आएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, टेन टेन गुना होगा टेन स्क्वायर थीटा, और ये नीचे वाला से गुना होगा तो टेन थीटा माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ भी देखो ये अंश है ये हर है, अंश हर में क्या होता है भाग लगता है, तो ये अंश भागा ये हर, तो भाग को गुना करेंगे तो वन बाय टेन थीटा गुना हो जाएगा, तो वन ऊपर चला जाएगा और वन माइनस टेन थीटा, टेन थीटा नीचे आएगा, वन वन गुना होगा वन हो जाएगा, टेन थीटा इंटू वन माइनस टेन थीटा तो हो जाएगा टेन थीटा इंटू वन माइनस टेन थीटा हो जाएगा ना। अब ये देखिए यहाँ जो है वन के सामने माइनस है, यहाँ वन के सामने प्लस है, तो क्या करना है इसके जैसा, अब ये जो आप देख रहे हैं कि चिन्ह आपको क्या करना है, चिन्ह पे ध्यान देना है कि यदि वन के सामने माइनस है तो ये भी वन के सामने माइनस हो जाए तो क्या होगा कि ये माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, और ये प्लस तो वो भी प्लस हो जाएगा, तो इसका कॉमन निकालना होगा, इसमें से माइनस का कॉमन निकालेंगे प्लस है प्लस वन, तो माइनस से कॉमन निकालेंगे तो और एक माइनस बचेगा, और इस माइनस से और एक माइनस माइनस निकल जाएगा प्लस बचेगा, अब ये वाला जो पद है माइनस वन प्लस टेन थीटा, माइनस वन प्लस टेन थीटा, माइनस वन प्लस टेन थीटा, दोनों का लघुतम निकालने में हमारा क्या हो गया सॉल्यूट हो गया, तो ये टेन थीटा माइनस वन और ये बन गया टेन थीटा माइनस वन, अब इन दोनों का लघुतम निकालने में क्या हो गया सॉल्यूट हो गया, तो
अब इन दोनों का लघुतम हो गया इतना। अब इसको इसको इससे भाग देंगे, भागफल ये आएगा, इसको टेन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे, टेन क्यूब थीटा हो जाएगा, इसको इससे भाग देंगे, भागफल एक आएगा, एक को एक से गुना करेंगे एक होगा। अब भाई टेन थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस के माइनस, वन को हम वन का होल क्यूब लिख सकते हैं, और टेन थीटा टू टेन थीटा माइनस वन नीचे है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है आपको याद है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा से लिख दें कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो याद होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या है, ये है ये और ये कट जाएगा, नीचे बचा टेन थीटा, ऊपर बचा टेन थीटा का होल स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन थीटा इंटू वन टेन थीटा हो जाएगा, टेन वन का वर्ग वन हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा के नीचे भी टेन थीटा है, टेन थीटा के नीचे भी टेन थीटा है, वन के नीचे भी टेन थीटा है। तो इन पूरे अब इसका जब विस्तार करेंगे, विस्तारित रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा प्लस टेन थीटा बटे टेन थीटा प्लस वन बटे टेन थीटा। टेन थीटा को टेन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो ऊपर दो टेन थीटा, टेन थीटा गुना टेन थीटा, नीचे टेन थीटा है, तो टेन थीटा को टेन स्क्वायर थीटा में भाग देंगे तो स्क्वायर कट जाएगा, टेन थीटा बचेगा, प्लस टेन को टेन से भाग देंगे भागफल एक आएगा, प्लस इसको इससे भाग देंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा, क्योंकि वन बाय टेन थीटा कॉट थीटा फॉर्मूला होता है, सस हो गया। अब इसको कहाँ ले गए हम, सबसे ऊपर की जगह का कमी था। अब टेन थीटा को हम साइन थीटा बटे कॉट थीटा में बदलेंगे, वन के नीचे कुछ नहीं तो वन, और कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा वन साइन थीटा इन दोनों का एलसीएम हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और अब जब आप भिन्न जोड़ से जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको इससे भाग देने में भागफल साइन थीटा गुना साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको इससे भाग देंगे भागफल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को वन से गुना करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही होगा, प्लस है प्लस दिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से भाग देंगे तो साइन थीटा कट जाएगा, मतलब कॉस थीटा भागफल आएगा, कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जुड़ता है तो एक बनता है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसके नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो इसका भी हर ये है इसका भी हर ये है, तो विस्तारित रूप में इस टर्म को वन बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसको इससे भाग देंगे, इसको इससे भाग देंगे, दोनों एक जैसा है तो कट के वन हो गया, वन बाय साइन थीटा गुना वन बाय कॉस थीटा, जब ये टर्म को जब गुणनखंड करेंगे तो वन बाय साइन थीटा गुना वन बाय कॉस थीटा, इसका गुणनखंड ये हो जाएगा, ताकि मैंने दोनों गुना बन, फिर ऐसा हो जाएगा वन वन गुना करिए वन होगा साइन थीटा गुना कॉस थीटा, साइन कॉस को गुना करेंगे क्या हो जाएगा साइन थीटा गुना कॉस थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस है वन। अब वन बाय साइन थीटा को कॉसेक थीटा में बदल देंगे, वन बाय कॉस थीटा को सेक थीटा में बदल देंगे प्लस वन। अब इसको देखना है कि किसके वैल्यू के बराबर है, राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर है, तो अब वन को आगे कर दो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड को जब लिया गया तो राइट हैंड साइड वैल्यू के बराबर प्राप्त हो गया। जब लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लेते हैं तो सॉल्व करने के पश्चात में राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर मिलता है, इसलिए हम बायां पक्ष को दायां पक्ष के बराबर प्रमाणित करते हैं, और उसको बायां पक्ष को दायां पक्ष के बराबर प्रमाण किया जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया हो, सवाल बनाना कठिन तो नहीं है, बस इसमें आपको जो फॉर्मूला याद रखना चाहिए वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जहाँ जहाँ अलजेब्रा के अनुसार से कहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कहीं कहीं आपका ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो
जैसे ये फॉर्मूला कहीं लग रहा है तो आपको ये याद रहना चाहिए। अब कहीं ये मतलब फॉर्मूला का ही काम है, तो आप फॉर्मूला अगर आप अच्छे तरह से जान रहे हैं तो सवाल आपसे बनेगा 100% बनेगा। मैं आपको पूरी तरह से आपको समझा देना चाहता हूँ कि यह सवाल बनाना आसान है, यह सवाल बनाना आसान है, ये सवाल आप बना सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए कि फॉर्मूला आप याद रख पा रहे हैं कि नहीं। यदि आपके ध्यान में फॉर्मूला नहीं रहेगा तो आप ये सवाल कैसे बना लेंगे। तो इसलिए सबसे पहले कि आपको मैं शुरू में सलाह दिया कि लेक्चर 7654321 जो मैंने इस पर जो बताया है सारे मतलब एकदम बेसिकली जितना भी पढ़ाई हुआ है उसको आप शुरू से देख करके पढ़ करके आप समझ लें। और ये तो मैंने जो बताया आप देख लीजिए कि क्या है, तो ठीक है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आएगा तो मेरा यूट्यूब में जो कमेंट बॉक्स है उसमें बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और ठीक है, अगले वीडियो के लिए हम फिर आपको बहुत जल्दी जो है अगले वीडियो देने वाले हैं। अगले वीडियो किसी का होगा 8.2 का ही जो सवाल, बहुत सारे सवाल हैं तो आपको मैं बहुत ही और अच्छे से अच्छे इजी से इजी आसान से आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू। Thank you.